ये नींबू का पौधा है जो कि कुछ कुछ पेड़ की तरह दिख रहा है, छोटे से पेड़ की तरह दिख रहा है, लेकिन ये नींबू का पौधा है। मैं आपको फिर नींबू दिखाता हूँ कि नींबू किस तरह से इस पेड़ पे लगते हैं। तो ये नींबू की पत्तियाँ हैं और इन पत्तियों के बीच में ये एक छोटा सा नींबू है, और ये लेमन है, अभी ग्रीन कलर का है, अभी कच्चा है, लेकिन इसको बीज अगर खाया जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके सबसे अच्छी बात यह है कि हरे नींबू में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है, बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू होती है। आम नींबू को जो हम खाते हैं तो उसमें से खुशबू ज़्यादा नहीं होती। और ये हमने तोड़ लिया इसको और ये आसानी से टूट गया। ये मिर्च का पौधा है, ये मिर्च है जिसे हम खाते हैं, और मिर्च के पौधे पे जो मिर्च लगती है शुरू में काले रंग की होती है और धीरे धीरे वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होती है। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्लैक कलर की मिर्च भी होती है, ये ब्लैक कलर की मिर्च है या हरे कलर की मिर्च क्यों नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें जानने की ज़रूरत है कि मिर्च किस तरह से उगती है, कैसी होती है, शुरू में कैसा रंग होता है, फिर बाद में कैसी होती है, और किस तरह पौधे पे उगती है या पेड़ पे उगती है। पहले ब्लैक कलर का होता है और फिर धीरे धीरे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। ये पौधा है हरी मिर्च का।